सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण की अंतरिम सूची जारी। 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। 4 से 8 मार्च तक कर सकते हैं आपत्ति। निस्तारण के बाद 15 मार्च को जारी होगा अंतिम सूची। नगर निगम के दफ्तर में सोमवार को ठेकेदार ने की कंप्यूटर ऑपरेटर की पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। रिकॉर्ड के आधार पर ठेकेदार के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। पहली मार्च से खुले परिषदीय स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल के अनुपालन की जानकारी लेने बनकटवा व गोरखनाथ प्राथमिक स्कूल पहुंचे एडीजी जोन व मंडलायुक्त। छात्रों से की बात, बांटी टॉफी, बच्चों का किया हौसला अफजाई। भीख मांगने के बहाने लोगों के घर में घुसकर मोबाइल सहित अन्य कीमती सामानों को लेकर फरार हो जाने वाली महिला की करतूत सीसीटीवी में हुई कैद। चोरनी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला के पास से 4 लाख रुपए के 26 मोबाइल फोन किया बरामद, भेजा जेल। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ सदर तहसील का संपूर्ण समाधान दिवस। आए 77 मामलों में 8 मामलों का मौके पर हुआ निस्तारण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने 4 मार्च से शुरू होने वाले दूसरे चरण के वैक्सीनेशन की तैयारियों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एडीजी जोन अखिल कुमार के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड द्वारा सिटी मॉल पर मॉक ड्रिल कर परखा गया पुलिस व प्रशासन का रिस्पॉन्स टाइमिंग। एडीजी ने कहा, मॉक ड्रिल रहा पूरी तरह से सफल। स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माणाधीन दर्शक दीर्घा का मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण। कार्यों की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी। एडीजी जोन और आईजी रेंज ने एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी के शॉट लगाकर फील्ड की परखी गुणवत्ता। एडीजी जोन अखिल कुमार के द्वारा सोमवार को मोहद्दीपुर चौराहे पर जाम की समस्या के समाधान के लिए दिए गए निर्देशों का मंगलवार को सीओ ट्रैफिक नितेश सिंह ने कराया कड़ाई से पालन। नहीं लगा जाम। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए सीओ चौरी चौरा और गुलरिया थाना प्रभारी निरीक्षक रवि राय की अध्यक्षता में विभिन्न कॉलेजों में जागरूकता अभियान का किया गया आयोजन। शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की दी गई जानकारी। यातायात नियमों का पालन करने की गई अपील। महाराजगंज जनपद में खुदाई के दौरान मिले 1200 वर्ष पुराने चांदी के सिक्के। पुरातत्व विभाग के अनुसार प्रतिहार काल के हैं सिक्के। अंकित है वराह का चित्र। कोरोना का टीका लगाने को लेकर सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल भी हैं तैयार। टीकाकरण की व्यापक शुरुआत से पहले प्राइवेट अस्पताल कर्मियों को दी गई गहरी जानकारी। पीएम मोदी के पोस्टर पर प्रिंट लगाने के आरोप में 4 कांग्रेसी नेता गिरफ्तार। 14 कार्यकर्ताओं पर नामजद मुकदमा दर्ज। जिलाध्यक्ष ने कहा, रिहाई के साथ वापस लिया जाए मुकदमा। गोरखपुर में मंगलवार को नहीं मिले एक भी कोरोना के नए संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,474। अब तक 366 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 22 रह गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। गोरखपुर विश्वविद्यालय के सेंट्रल डेलीगेसी के तत्वाधान में खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को कुलपति करेंगे सम्मानित। और जेसीआई गोरखपुर स्वराज के तत्वाधान में 7 दिवसीय महिला उत्सव बंधन के उपलक्ष में पहले दिन महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं व बच्चियों को किया गया जागरूक। विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की दी गई जानकारी।